हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी बच्चों। हमारा जो नया टॉपिक है आज का, इसका नाम है मॉडल्स। बहुत सारे बच्चे जो है मॉडल्स पढ़ते हैं, लेकिन मॉडल्स जो है बच्चों याद नहीं होते हैं फटाफट से। कि जल्दी से किसी मॉडल का पता चल जाए कि इसमें ये मॉडल दे रखा है, इसका प्रयोग करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आता है सेंटेंस के अंदर एग्जाम में। तो बच्चों आज जो आपको बताऊँगा मॉडल्स के बारे में, तो मॉडल्स आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। सबसे पहले आप एक बात ध्यान रखिए, मॉडल्स जो होते हैं ये मॉडल्स भी क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब ही होती है। क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का एक पार्ट होता है, इसको हम ऑक्सिलरी भी, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम ऑक्सिलरी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं इसको। आपको मालूम है हेल्पिंग वर्ब टोटल, कई बार मैंने बताया कि हेल्पिंग वर्ब 24 होती है, 24 हेल्पिंग वर्ब होती है, कई बार मैंने बताया है ऐसे कई वीडियोस में 24, जिसमें से ये मॉडल जो होते हैं ये कितने होते हैं, 13 होते हैं, 13 मॉडल होते हैं हमारे, 13 मॉडल्स जो होते हैं जिनके नाम मैंने यहाँ पर देखिए बोर्ड पर लिख रखे हैं पहले से आपको समझाने के लिए, और इनके रूल्स भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप बड़े ध्यान समझिएगा और अपनी कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए, ताकि कोई रूल्स अगर मैं यहाँ लिख करके मिटा दूँ तो आप उसे अच्छे से लिख सके, पहले से समझ सके उसको ढंग से। बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी आपको एक बात बताई गई है कि जो हेल्पिंग वर्ब 24 होती है उसमें मॉडल स्पेशल होते हैं, ऑक्सिलरी होती है, ये भी हेल्पिंग वर्ब का ही काम करती है, और इनको हम लोग क्या करते हैं, इन मॉडल्स को ही, ध्यान रखिएगा, इन मॉडल्स को ही हम डिफेक्टिव वर्ब के नाम से भी जानते हैं। किस नाम जानते हैं? डिफेक्टिव वर्ब। डिफेक्टिव वर्ब के नाम से क्यों जानते हैं, क्योंकि आप जानते हो, जैसे मान लो मैं कैन ले हूं यहां पर, तो कैन को जो है मैं कैन नहीं कर सकता, कैन को मैं कैनिंग नहीं कर सकता, क्योंकि रूल्स होता ही नहीं है, इनकी वर्ब नहीं बनती अलग से। हेल्पिंग वर्ब अपने आप में जो है ऑक्सिलरी, वो डिफेक्टिव वर्ब के नाम से आते हैं, डिफेक्ट होती है, इनको हम लोग जो है अलग से कुछ और नहीं बना सकते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये मॉडल ऑक्सिलरी की स्पेशल बात यह है बच्चों, जहां पर भी मॉडल का प्रयोग किया जाता है, समझिएगा ध्यान से, उस मॉडल के तुरंत बाद आप लोग ध्यान रखना बेयर इन्फिनिटिव वर्ब, यानी कि कहें तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग किया जाता है, और जो फर्स्ट फॉर्म आती है उसमें कोई भी ऐसी आईएस का नियम भी नहीं लगता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्या होता है? बेयर इन्फिनिटी वर्ब, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ये बात आपको अपने माइंड में सेट कर लेनी है कि जहां भी मॉडल आएगा वहां पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। इज दैट क्लियर? अब देखिए मैं आपको मॉडल्स के नाम बता देता हूं। देखिए कैन, क्या है बच्चों? कैन। फिर इसके साथ में आ रहा है कुड, कुड। ध्यान रखें कैन का मतलब होता है सकना, क्या होता है? सकना। और ये हो गया पास्ट, तो इसका क्या मतलब हो गया? सका। ध्यान समझे तो मैं बताना चाहता हूं आपको, सकना सका। देखो मे का मतलब भी क्या होता है? सकना। आप बोल सर ऐसा कैसे, तो बताऊंगा मैं आपको, हर एक चीज समझूंगा। माइट का मतलब भी क्या होता है? सकना। ये भी सकना, ये भी सकना, सर ये क्या सकना, समझ भी नहीं आ रहा है क्या मतलब है इसका, ठीक है ना। तो समझ में क्यों नहीं आएगा भैया? देखो कैन और कुड जो है ये पावर के लिए, यानी कि ताकत में यूज होते हैं। किसमें यूज होते हैं? ताकत में। और ये जो सकना होता है ये होता है संभावना में, यानी पॉसिबिलिटी में। समझ में आ गया होगा आपको, किसी चीज को उठाना है तो ताकत, जहां फिजिकल पावर लगती है, जहां फिजिकल ताकत लगती है वहां पर कैन और कुड काम करते हैं, और जहां पर मे और माइट जहां पे आ रहा है वहां पर पॉसिबिलिटी यानी संभावना से संबंधित किसी कार्य को कर सकना। जैसे कई बार मैं आपको आगे समझाऊंगा, आप थोड़ा लॉजिक रखिए, बहुत अच्छे समझ में आएगा, माइंड को थोड़ा रिलैक्स दीजिए और समझते जाइए जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो कैन कुड मे माइट, इन चारों का मतलब क्या होता है? सकना होता है, ठीक है। मिटाता हूं मैं इसको, और आपको हिंदी में वैसे याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको मैं ऐसा तरीका बताऊंगा इंग्लिश में ऑटोमेटिक ही याद हो जाएगा। अब देखिए मैं यहां पर बात करता हूं शैल और विल की, शैल और विल। अब बहुत सर इनका मतलब क्या होता है? तो शैल और विल, देखिए यहाँ पर डिटरमाइन और प्रॉमिस लिख रखा है मैंने यहाँ पर,
यानी किसी चीज का निर्धारण करने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। इसके जो पास्ट आते हैं जैसे कि शुड, इनका मैं आपको मतलब बता सकता हूँ शुड का और वुड का। देखो शुड पता है आपको, शुड का मतलब हम मानते हैं चाहिए, क्या होता है चाहिए, यानी किसी एडवाइस के रूप में इसका काम किया था। वुड भी देखिए यहाँ पर दे दिया रिक्वेस्ट पास्ट हैबिट प्लीज काइंडली, तो ये भी क्या होता है इसका जो प्रयोग होता है वुड का प्रयोग वो किसी हम कहें तो रिक्वेस्ट के लिए, यानी कि किसी ने अनुमति क्या बोलते हैं उसको रिक्वेस्ट होती है ना जिससे प्रार्थना करते हैं उससे रिलेटेड होता है, ठीक है। और इधर बात करते हैं हम लोग मस्ट की, तो मस्ट का मतलब भी होता है चाहिए। बोले सर जी ऐसे जैसे आपने सुख भी चाहिए मस्ट भी चाहिए, तो भैया देखिए ऐसी बात है जहां पर सलाह के रूप में काम किया जाएगा, सलाह के रूप में एडवाइस के रूप वहां पर चाहिए शुड वाला, और जहां पर पावर ताकत के साथ काम करना पड़ेगा वहां पर चाहिए मस्ट वाला चाहिए। इज दैट क्लियर? ओके आगे देखते हैं। अब देखिए आगे जो एक और चल रहा है इसमें ओ टू बच्चों, इसका मतलब भी क्या होता है चाहिए ही होता है, ये भी जो है शुड के रूप में ही काम करता है, जहां पर शुड वहां पर ओ टू कंडीशन में आपको बताऊंगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर तीन मॉडल है नीड टू डेयर टू यूज टू। देखिए आप जानते हैं नीड एक अपने आप में क्रिया है, डेयर भी अपने आप में क्रिया है और यूज भी क्रिया है, पता है बच्चों आपको, लेकिन जब इनके साथ में टू लग रहा है और उसके बाद फिर वेयर इंफिनिटी जाती है तो ये मॉडल्स का काम करेंगे। इनको तीनों को हम क्या कहते हैं बच्चों, इनको कहते हैं देखिए इनको कहते हैं सेमी मॉडल। क्या कहते हैं? सेमी मॉडल कहते हैं इनको। तो देखिए कैन कुड मे माइट सेल विल शुड वुड मस्ट ऑट टू नीड टू डेयर टू यूज टू, ठीक है। ये मॉडल्स का आपका जो है बेसिक नॉलेज है जो मैंने आपको बताया है, आपको ध्यान रखना है मॉडल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी है। मॉडल एक ऑक्सिलरी का काम करती है, सहायक क्रिया होती है, मॉडल एक डिफेक्टिव वर्ब होती है, और मॉडल का जो प्रयोग किया जाएगा वो एज ए ऑक्सिलरी वर्ब के ही रूप में किया जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए इधर आइए आप थोड़ा और यहाँ पर समझिए कि मॉडल का प्रयोग किस कंडीशन में करते हैं, सेंटेंस कैसा आना चाहिए जिससे कि हम मॉडल का प्रयोग कर सके, तो ये आपके माइंड में सेट होना चाहिए। एक सेंटेंस की इमोशन को हमें समझना पड़ेगा, उसमें कैसा इमोशन सारा कैसा भाव आ रहा है उसके अंदर, उसको हमें समझ करके उसका मॉडल यूज करना पड़ेगा। समझ में आया? अब देखिए आगे जो मैं बताना चाहता हूँ उसको समझिए पहले आप। देखिए बच्चों कैन और कुड, मैंने इसका मतलब बताया था आपको सकना, लेकिन किस कंडीशन में जो है इनका प्रयोग किया जाएगा वो कंडीशन बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा है एबल, एबल का मतलब होता है योग्यता, क्या होता है जैसे एबिलिटी बोलते हैं, एबल यानी योग्य। अब योग्य किस प्रकार का, यानी किसी फिजिकली पावर कहने वाला किसी चीज को उठाने संबंधित ताकत से संबंधित कोई एबिलिटी या एबल है आपके अंदर, क्षमता है आपके अंदर, तो वहां पर हम इसका प्रयोग कैन से रिलेटेड करते हैं। कैपेसिटी पावर स्ट्रेंथ, देखिए नाम से ही पता चल रहा है आपको एबल योग्य, एबिलिटी वो योग्यता योग्य क्षमता, कैपेसिटी क्षमता, पावर ताकत स्ट्रेंथ ताकत, यानी ये पूरा का पूरा जो आ रहा है बच्चों ये ताकत से रिलेटेड आ रहा है, किसे पावर से रिलेटेड, मैं यहाँ ताकत लिखता हूँ एक बार, ताकत से रिलेटेड आपकी जो फिजिकली पावर जिसमें लग रही है जिस काम को करने में उसके लिए ऑक्सिलरी आती है कैन और कुड ऑक्सिलरी आती है। आया समझ में? मैं अभी आपको इसके सेंटेंस भी समझाऊंगा, पहले आप इस छोटा सा जो चार्ट है इसको आप समझिए, फिर इसका स्क्रीनशॉट भी लेना और इनको अच्छे से समझने की कोशिश करना। कई बार क्या होता है बच्चों एग्जाम में एक सेंटेंस आता है, मैं समझाऊंगा आगे, और वो सेंटेंस में क्या होता है जैसे एक सेंटेंस दे दिया आई डैश, देखो मैं यहाँ बताऊँ छोटा सा बताऊँ आई डैश और मैंने लिख दिया पुट दिस बॉक्स और ब्रैकेट में आपके यहाँ लिखा हुआ आ गया एबल, तो अगर आपको एबल के बारे में पता है तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या आएगा कैन या कुड, तो आप इसमें कैन लगा दें आई कैन पुट दिस बॉक्स, बस ऐसा ही आसान तरीका है और इससे कोई आसान तरीका हो भी नहीं सकता जो मैं आगे आपको समझाऊंगा। समझ में आया आपको? ठीक है आगे देखिए एबल एबिलिटी कैपेसिटी, केबल
अब देखिए एबल एबिलिटी कैपेबल कैपेबिलिटी पावर स्ट्रेंथ यूज्ड फॉर कैन एंड कुड इज दैट क्लियर ओके नेक्स्ट देखिए मे एंड माइट ये संभावना पॉसिबिलिटी के लिए होता है बच्चों इसमें इसका मतलब सकना ही होता है पावर के लिए यूज नहीं करते इसको सकना किसी काम को संभावित कोई कार्य होना जरूरी वो हो ही जाए उसके लिए यूज किया जाता है जैसे कि पॉसिबल कंडीशन इसकी पॉसिबल पॉसिबिलिटी पॉसिबल संभावना प्रोबेबिलिटी प्रोबेबल लाइकली लाइकलीहुड परमिशन परमिशन लेते हैं ना मे आई कम इन सर मे आई गो सर तो परमिशन से रिलेटेड भी होता है अब परमिशन में पॉसिबिलिटी आदि सबने मना कर दिया नहीं जाना तो नहीं जाओगे सही है ना ओके अलाउड परहैप्स यानी शायद गैस अनुमान लगाते हैं मैं भी इट मे बी रेन टुडे मैं भी बोलते ना हो सकता है कि आज बारिश हो जाए के? गैस विश किसी को विश करते हैं मैं यू लिव लॉन्ग जो आगे मैं सेंटेंस में आपको बताऊंगा तो उसमें भी मैं का ही प्रयोग किया जाता है और आगे देखिए बच्चों रिमोट पॉसिबिलिटी देखिए रिमोट पॉसिबिलिटी मैंने अलग से लिखा है आर ई एम ओ टी ई रिमोट पॉसिबिलिटी जहां रिमोट पॉसिबिलिटी आ जाए बच्चों ध्यान रखना आंख बंद करके आप उसके अंदर एम आई जी एच टी यानी माइट का प्रयोग कर देना सेंटेंस गलत नहीं होगा आया समझ में ओके देखिए आगे चलते हैं पहले मैं आपको एक चार्ट समझा रहा हूँ फिर सेंटेंस बाय सेंटेंस पूरे मॉडल्स आपके माइंड में फिट कर दूंगा अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कोई भी सेंटेंस मॉडल का आपसे गलत नहीं होगा क्लियर है ओके देखिए शैल एंड विल देखिए शैल और विल को एक बार मैं थोड़ा सा अलग समझाता हूँ इधर आप ध्यान दीजिएगा आप बच्चों आप लोगों ने टेंस पढ़ा होगा हाँ जहाँ तक ये बच्चे पढ़ते रहते हैं टेंस वाले सब याद ही नहीं होते हैं टेंस बहुत पढ़ते हैं तो बच्चों मैंने एक शॉर्ट में वीडियो बना रखा है और मैं आगे भी आपको जो है डिटेल से पढ़ाऊंगा देखिए शैल और विल फॉर फ्यूचर यूज होते हैं आपको पता है फ्यूचर टेंस भी यूज होते हैं आपने यूज भी किया होगा तो फ्यूचर जो आपने एज ए टेंस यूज किया होगा तो शैल का प्रयोग आई और वी के साथ किया और विल का प्रयोग आपने किया अदर सब्जेक्ट के साथ ठीक है बच्चों ये आपने प्रयोग किया किसमें फ्यूचर टेंस के अंदर यही किया ना आपने लेकिन बच्चों यहाँ थोड़ा सा अलग है थोड़ा उल्टा है इसका देखो शैल का जो प्रयोग होता है बच्चों वो होता है आई और वी को छोड़ करके यानी कि कहें तो हम ही शी इट दे और नैन के साथ और अगर विल की बात करें बच्चों विल तो इसका प्रयोग होता है आई के साथ और वी के साथ यहाँ आपको ये माइंड में सेट रखना है कि मॉडल के अंदर आई और वी के साथ विल लगता है अदर सब्जेक्ट के साथ शैल लगता है ध्यान रखिएगा मॉडल्स ऑक्सिलरी के रूप में जो है विल आई और वी के साथ होता है शैल ही सी इट दे और वन नेम के साथ यूज होता है क्लियर है अब देखिए यहाँ पर इनका मतलब क्या निकलता है शैल एंड विल ये डेटरमाइन सेंटेंस में डेटरमिनेशन है मतलब निश्चित निश्चय वाली बात दृढ़ निश्चय वाली बात उसमें या प्रॉमिस ये प्रॉमिस के लिए भी यूज होता है कई बार हम कहते हैं आई विल ट्राई मैं कोशिश करूंगा तो आई विल ट्राई मीन्स मैंने उसको डेटरमाइन के साथ बोला अगले वो प्रॉमिस भी कर दिया डेटरमिनेशन के साथ में बोला है मैं सेंटेंस में आगे आपको समझाऊंगा देखिए वुड को आप अलग से समझ लीजिए यहाँ पर वुड जो है वो क्या काम करता है बच्चों देखिए वुड का प्रयोग होता है रिक्वेस्ट के लिए यानी प्रार्थना के लिए भी होता है जैसे वुड हम लोग कई बार वुड आई यूज योर फोन प्लीज तो वुड जहाँ पर आ गया रिक्वेस्ट कर दी पास्ट हैबिट पुरानी आदतों के लिए इसका यूज किया जाता है प्लीज और काइंडली जो रिक्वेस्ट में आया गया है तो ऐसे सेंटेंस में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं वुड का प्रयोग करते हैं बच्चों अब देखिए आगे जो है मस्ट एंड मस्ट नॉट मस्ट से पहले मैं आपको मस्ट नोट सिखाता हूँ देखिएगा आपने कई बार रेलवे स्टेशन पे बस स्टैंड पे कहीं पे लिखा हो देखा प्रोहिबिशन लिखा हुआ है स्मोकिंग इंजर टू हेल्थ तो बच्चों वो क्या है वो सरकारी आदेश है ऐसा करने पर या कहीं पर थूकने पर कहीं पर जो है बैनर लगा हुआ है सरकारी बैनर लगा हुआ है या वहाँ पर कोई बैनर अलग से हम लगा रहे हैं तो वहाँ प्रोहिबिशन होता है तो वहां पर क्या होता है प्रोहिबिशन मनाही होती है नॉट अलाउड अनुमति नहीं होती फॉरबिड या फिर वहां फॉरबिड किया जाता है ऑलरेडी कि ऐसा नहीं करना है तो
क्या करते हैं बच्चों, इसमें मस्ट नॉट का प्रयोग जो है प्रोहिबिशन में, नॉट अलाउड में, फॉरबेड में, जहां पर सेंटेंस में दिया हुआ आता है, सेंटेंस इनसे रिलेटेड होता है, उनके अंदर हम मस्ट नॉट का प्रयोग करते हैं। क्लियर। फिर आता है मस्ट। देखिए यहाँ पर मस्ट में वो ये बाध्यता आती है, ओब्लाइज, ऑब्लिगेशन यानी बाध्यता, नेसेसरी आवश्यकता, कंपल्सरी जरूरी आवश्यकता, सर्टेन निश्चितता, ड्यूटी कर्तव्य, ऑर्डर आदेश, प्रॉमिस। देखिए प्रॉमिस यहाँ पर भी, और हमने प्रॉमिस ऊपर भी देखा था कि ये प्रॉमिस मस्ट वाला है, डेफिनेटली वाला। डेटरमाइन यानी निश्चित, यहाँ भी डेटरमाइन है, यहाँ पर डेटरमाइन है, तो डिफरेंट क्या होगा, डिफरेंस जो भी है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब देखिए एक है हमारा ओट टू, और इसमें एक हमारा देखिए शुड, तो शुड को देखो हम पढ़ते हैं ओट टू के साथ में, एस एच ओ यू एल डी। देखिए बच्चों शुड का मतलब भी चाहिए होता है, ओट टू का मतलब भी चाहिए ही होता है। तो ये मॉरल ऑब्लिगेशन, जहाँ पर बाध्यता तो है पर वो नैतिक रूप से है, तो यहाँ नैतिकता आ गई, मॉरल ड्यूटी आ गई, एडवाइस सलाह के रूप में आ गया, वहाँ पर हम प्रयोग करते हैं ओट टू का या फिर शुड का। देखिए अगर कहीं पर डैश आ जाए और टू आ गया तो उसमें हमेशा और टू लगेगा, अदरवाइज उसमें जो है शुड लगेगा। तो ये चार्ट है बच्चों जो आपको ढंग से समझना है, बहुत अच्छे से ये चार्ट अगर आपको ढंग से समझ में आ गया, पॉइंट्स का पता चल गया, तो आप सेंटेंस के अंदर जो है मॉडल ऑब्जर्वरी का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके सेंटेंस पढ़ेंगे वन बाय वन करके, कौन सेंटेंस में जो है, तो मैं आगे आपको बताता हूँ, आप इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए बच्चों जो मॉडल्स जो हमने चार्ट पढ़ा, मॉडल्स के अंदर जो हमने पहले डेफिनेशंस वगैरह देखी, अब मॉडल्स की कुछ एक्सरसाइज है बच्चों, कुछ इम्पोर्टेंट जो है मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप समझिएगा, क्योंकि इसको समझने से आपको ये पता चल जाएगा कि मॉडल्स का यूज एग्जाम में किस तरह से किया जाता है, मॉडल्स एग्जाम में किस तरह से आते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए एक्सरसाइज जो आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले यहाँ लिखा है मैंने कैन, और जैसा कि मैंने चार्ट में बताया था वैसे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इनके जो आइडियाज है वो मैंने पहले से इसमें साथ में बता भी दिए हैं, पहले चार्ट में बताए हुए थे। ठीक है ना, ओके। तो देखिए कैन का प्रयोग पे हमने देखा था एबिलिटी और कैपेबिलिटी के लिए किया जाता है, कैपेसिटी के लिए किया जाता है, पावर के लिए किया जाता है। देखिए दिमाग का पावर हो या फिजिकल पावर हो, दोनों पावर के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, कैन का प्रयोग करेंगे। इज दैट क्लियर, ओके। देखिए सेंटेंस मैंने लिखा, आई डैश सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ दिस बुक। अब देखिए यहाँ पर सॉल्व करने की बात आई है, और किताब के सभी क्वेश्चन, मतलब कोई भी प्रश्न हो उसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ, तो मेरी मेंटली पावर है, यानी कि यहाँ ताकत की बात है फिजिकल के साथ साथ मेंटली, तो यहाँ मेंटली पावर, मैंने कहा था पावर के लिए यूज होता है, एक बार वीडियो में उसमें अभी मैंने बताया था उसमें कि पावर के लिए यूज करते हैं, तो पावर है फिजिकल के साथ साथ मेंटली पावर, तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, कैन, तो आई कैन सॉल्व, ओके। अब नेक्स्ट देखिए, She dash lift this box at a time. She वह dash lift उठा सकती है इस बक्से को at a time, एक बार में उठा सकती है, तो physically power आ गई। Then we can use here can the model auxiliary. Is that clear? Okay. Next आता है बच्चों, तो can आपके समझ में आ गया, और इसकी exercise आपको और करनी पड़ेगी, तो अच्छे से ही आपके mind में set हो जाएगा। Clear? Next topic और कुछ could use for past ability and capability or capacity. ध्यान रखिएगा, पहले मैंने बताया था can का past होता है could, okay? सकना और यहाँ सका। देखिए exercise दे रखी है, I dash learn fast when I was young. अब देखिए मेरा sentence देखे, learn fast, मैं बहुत तेज गति से सीख सकता हूँ, मेंटली पावर है, लेकिन यहाँ पर क्या है वॉज, तो वॉज यंग, जब मैं छोटा था तो बहुत तेज गति से सीखा करता था, है ना, तो क्या आ जाता है, क्या है यहाँ पर, वी कैन यूज हियर थर्ड मॉडल ऑक्सिलरी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, शी डैश स्विम व्हेन शी वॉज एट ही स्कूल। देखो पास्ट सेंटेंस आ गया, पास्ट एबिलिटी आ रही है इसकी, तो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, यहाँ पर यूज कर देंगे थर्ड। समझ में आ रहा है सभी को, देखिए सेंटेंस की आप वैसे मत जाइए, सेंटेंस को देख करके समझो, आप सेंटेंस के इमोशन को समझना,
इसमें क्या भाव उत्पन्न हो रहा है सेंटेंस में, बोल क्या रहा है, क्योंकि आगे मैं आपको शैल और विल बताऊंगा जिसमें आप समझेंगे कुछ थोड़ा आइडिया चेंज है, क्योंकि मॉडल का जो यूज है वो टेंस के रूप में भी कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया था आई और वी के साथ शैल लगाते हैं, अदर के साथ विल लगाते हैं, यहाँ आई और वी के साथ विल भी लगेगा, अदर के साथ शैल लगेगा, ठीक है। वैसे ही देखिए मैं यूज ऑफ मैं का मतलब ही सकना है, संभावना के लिए यूज होता है, जिसमें पॉसिबिलिटी, लाइकलीहुड, प्रोहिबिशन, विश। आप देखिए क्या करते हैं इसके अंदर, द क्लाउड्स आर डार्क, देखिए समझिएगा मे का मतलब, द क्लाउड्स आर डार्क सो, देखिए यहाँ पर एक बार प्रोहिबिशन को तो हटा देते हैं, पर विश रहने देते हैं इसमें ओनली, ठीक है बच्चों, क्योंकि प्रोहिबिशन में आपको आगे बताऊंगा, तो यहाँ पर आ जाएगा विश और लाइकली जो चलता है, लाइकलीहुड, लाइकली, पॉसिबल, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबल कर देते हैं यहाँ पर, प्रोबेबल, प्रोबेबल, देन द क्लाउड्स आर डार्क सो इट डैश रेन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर क्लाउड्स आर डार्क मतलब बादल काले हैं, तो क्या हो सकती है, मैं रेन, बारिश हो सकती है, इट्स अ पॉसिबिलिटी, संभावना है, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर जो है एक आया है सेंटेंस में डैश गॉड ब्लेस यू, तो आप जानते हैं यहाँ पर विश की गई है, क्या की गई विश, तो मै गॉड ब्लेस यू, मै गॉड ब्लेस यू। द नेक्स्ट इज पास्ट ऑफ मे नॉन एज माइट, द माइट का प्रयोग होता है आपको बताया रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए अधिकतर इसका यूज किया जाता है, रिमोट पॉसिबिलिटी का ना के बराबर संभावना, बहुत ही कम होना, मतलब होते भी नहीं होना, ये मान लीजिए आप, तो देखिए देयर आर वेरी फ्यू क्लाउड्स, देयर आर वेरी फ्यू क्लाउड्स, आसमान में ना के बराबर बादल हैं, सो इट डैश रेन, इसलिए बारिश हो सकती, वेरी फ्यू क्लाउड्स है, वेरी फ्यू क्लाउड्स इसमें रेन, बारिश हो सकती, तो इट माइट, और माइट जो है यहाँ पर नेगेटिविटी को शो कर रहा है, एम आई जी एस टी, माइट रेन, इज दैट क्लियर। ओके बच्चों आगे देखिए, इधर जैसे कि मैंने बात किया था शैल और विल के बारे में, देखिए यहाँ दोनों बताए हैं, चार्ट में बताया गया था प्रॉमिस के लिए, विलिंगनेस के लिए, डिटरमिनेशन के लिए, इंटेंशन के लिए, ऑब्स्टिनेट जिद्दीपन के लिए, इंसिस्टेंस के लिए, इंस्टेंस होता है यहाँ पर, ठीक है देखेंगे इंस्टेंस का। तो देखिए यहाँ पर जो है प्रॉमिस आ गया, विलिंगनेस, डिटरमिनेशन, इंटेंशन, ऑप्शन, जिद्दीपन के लिए, इंस्टेंस भी करते दबाव डालने के लिए होता है उसमें। तो देखिए यहाँ पर सेंटेंस में मैंने आपको बताया था कि आई और वी इनका प्रयोग किसके साथ होता है, आई और वी के साथ हम लगाएंगे विल और अदर के साथ लगाएंगे शैल, लेकिन आगे सेंटेंस में थोड़ा बदलाव आएगा। तो देखिए यहाँ तो क्या कर देंगे आई डैश हेल्प यू, तो यहाँ क्या कर देंगे विल आ जाएगा, प्रॉमिस हो रहा है आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, और प्रॉमिस में अगर आई शैल हेल्प यू करोगे तो वो आनाकानी हो जाएगी, जैसे कि यू डैश ब्रिंग ए वॉच फॉर मी, वादा किया है यू डैश ब्रिंग ए वॉच फॉर मी, तो यहाँ पर हम कर देंगे शैल का प्रयोग, यू शैल ब्रिंग, तुम लाओगे एक घड़ी मेरे लिए, ये प्रॉमिस है। अगला सेंटेंस देखिए यहाँ पर है वी डैश बिल्ड ए हाउस, वी डैश बिल्ड ए हाउस, ये इंटेंशन समझ लो, डिटरमिनेशन समझ लो, तो वी विल बिल्ड, हम बनाएंगे एक घर बनाएंगे, और दे डैश शैल दिस हाउस, शैल एस एच डबल एल, तो दे शैल सेल दिस हाउस, वह इस घर को बेचेंगे। अब आप समझिएगा यहाँ पर जो मैं बताना चाहता हूँ विल का प्रयोग, और इसके साथ में आएगा शैल भी, ध्यान रखिए स्पेशल वैसे विल है लेकिन कुछ कंडीशन में शैल भी आप यहाँ पर समझेंगे। देखिए इनविटेशन में जिसे इनवाइट करते हैं ना, इनविटेशन, और कंडीशनल सेंटेंस होते हैं जो आपने देखे होंगे इफ कंडीशन वाले सेंटेंस में, उसमें थोड़ा आइडिया चेंज है बच्चों। तो देखिए यहाँ पर है डैश हेल्प यू, यू हेल्प मी प्लीज, जहाँ प्लीज आ गया वहाँ पर विल लगेगा, चाहे कुछ भी हो, आई हो, वी हो, कुछ भी हो, यहाँ मान लीजिए विल यू हेल्प मी प्लीज, समझ गए। अब यहाँ देखिए इफ यू फॉरगिव मी आई प्रॉमिस टू बी गुड, इफ यू फॉरगिव मी आई प्रॉमिस टू बी गुड, ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ हमने क्या देखा था आई और वी के साथ में शैल, यहाँ तो विल देखा था शायद हमने, आई और वी के साथ में विल, ठीक है बच्चों ध्यान दीजिएगा, और अदर के साथ में विल,
तो यहां पर देखिए यहां पर क्या आ जाएगा, इसके साथ में तो आ जाएगा विल। इफ यू विल फॉरगिव मी, अगर तुम मुझे माफ कर दोगे, आई प्रोमिस टू बी गुड, तो मैं वादा करता हूं अच्छा बनूंगा। समझ गए, मतलब आप ज्यादा माइंड पे जोर नहीं डालिएगा। आई और वी के साथ में जो है यहां पर जो लग रहा है शैल कंडीशनल में, अदर में लगता है विल। वी डैश बी वेरी हैप्पी इफ यू विल कम टू टी। अब देखिए वी के साथ यहाँ शैल लगेगा, क्यों लगेगा देखिए, वी शैल बी वेरी हैप्पी, हम बहुत खुश होंगे इफ यू विल कम टू टी, अगर चाय पर आप आओगे तो। समझ गए सेंटेंस को, तो यहाँ पर सेंटेंस है इफ कंडीशनल में। इफ कंडीशनल में आपको ध्यान रखना है आई और वी के साथ में शैल लग रहा है, वैसे इधर में विल ही चलता है, और सेंटेंस में आप यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बच्चों, अब देखिए मस्ट, मस्ट होता है बाध्यता के लिए, ऑब्लिगेशन में, कंपल्सन में और ड्यूटी में। सपोज दैट क्वेश्चन है यू मस्ट हैव अ लाइसेंस, देखिए पहले से मस्ट लिखा हुआ आगे इसमें लिख दिया, तो यू डैश हैव अ लाइसेंस टू ड्राइव अ व्हीकल, मतलब जहां पर कोई काम करने पर आपको पनिशमेंट किया जाता हो तो उसको रोकने के लिए हमेशा यूज होता है मस्ट, इसलिए इसे मस्ट का प्रयोग करते हैं। तो यू मस्ट हैव अ लाइसेंस टू ड्राइव अ व्हीकल। ओके बच्चों, आप देखिए लास्ट है हमारा शुड एंड ऑट टू, इन दोनों का डिफरेंस भी आप देख लीजिएगा, इनमें क्या क्या अंतर क्या है। एक तो है कि मॉरल ऑब्लिगेशन होता है, मस्ट में ऑब्लिगेशन था, और मॉरल ड्यूटी होती है, एडवाइस भी होती है इसमें, एडवाइस। ठीक है, तो देखिए सेंटेंस में थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, अगर किसी सेंटेंस में डैश के बाद में टू दिया हुआ हो तो वी कैन यूज हियर ऑलवेज ऑट। तो वी यू ऑट टू टेक सम एक्सरसाइज, मतलब तुम्हें कुछ एक्सरसाइज करनी चाहिए, और यू डैश सर्व योर पेरेंट्स, आप ऑट टू पूरा लगा सकते हैं, लेकिन अगर दो ऑप्शन शुड आ गया तो आपको शुड को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। समझ गए बच्चों, तो ये देखिए हमारी मॉडल ऑक्सिलरी की एक्सरसाइज थी जो हमने कवर की है। आप और भी अपनी बुक से प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मॉडल जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपको अच्छे पक्के याद हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, ग्रामर का बढ़िया टॉपिक, ये मॉडल्स का आप एक्सरसाइज कीजिएगा। ओके, तब तक गुड डे, गुड बाय।